Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं हूं रुखसार शहजाद. सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस. हुंजा में लड़कियों का आइस हॉकी मैच, कनेडियन हाई कमिश्नर रेफरी बन गईं. कनेडियन खिलाड़ियों और कनाडा के सिफारतखाने के अमले की भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत. कनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है कि हुंजा और चित्राल समेत कनाडा के खिलाड़ियों के दरमियान एक हैरत अंगेज मैच यादगार बन गया. एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी. टोरंटो में 20 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान. शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा. कनाडा में जल्द ही फाइजर की कोरोना वायरस बचाव की टैबलेट्स की मंजूरी का इम्कान. हेल्थ कनाडा का कहना है कि फाइजर की टैबलेट को 7 से 10 दिन में मंजूरी मिल सकती है. माहरीन का कहना है कि टैबलेट की मंजूरी से कोरोना वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी. कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा. मरीजों की मजमूई तादाद 26,88,751 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,957 हो गईं. जो बाइडन ने इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने के वाकये को दहशतगर्दी करार दे दिया. जो बाइडन का कहना है कि ज्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्ला शख्स ने उस इबादतगाह को क्यों निशाना बनाया. 44 साल शख्स बरतानवी शहरी था. अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं करेंगे. चीनी सफीर की अफगान वजीर खारजा से मुलाकात. चीन के अफगानिस्तान को मदद जारी रखने की यकीन दहानी. चीन में ओमिक्रोन का पहला मुकामी केस सामने आ गया. मुतासर शख्स से राबते में आने वाले तकरीबन 2,500 अफराद के कोरोना टेस्ट. कोरोना का ओमिक्रोन वेरियंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. वादी हुंजा में जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कनेडियन एम्बेसडर वेंडी गिलमोर हुंजा पहुंचीं और आइस हॉकी के मुकाबले में रेफरी के फराइज अंजाम दिए. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. पहाड़ों के नगर वादी हुंजा में खून जमा देने वाली नुक्ता अंजुमात से भी कम दर्जा हरारत में मुनक़िदा सालाना कलाकरम विंटर स्पोर्ट्स लव्ड का मेला सज गया. कैनेडियन एम्बेसडर अल्तित हुंजा के 1,000 साल कदीम तारीखी तालाब में मुनक़िदा कलाकरम विंटर स्पोर्ट्स लव्ड सीजन 4 के आइस हॉकी में हिस्सा लेने के लिए अपने कैनेडियन खिलाड़ियों और कैनेडा के सिफारत खाने के अमले के साथ हुंजा पहुँच गयी. अल्तित हुंजा में इस स्कार्फ की जानिब से हुंजा में अताबाद झील के करीब होने वाले कराकरम विंटर स्पोर्ट्स लव में पाकिस्तान की तारीख का पहला और मुनफरिद टूर्नामेंट जारी है, जबकि इसके साथ साथ हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, माउंटेन साइकिलिंग और ग्लेशियर वॉक समेत मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं. विंटर स्पोर्ट्स लव सीजन 4 में शिरकत करने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कैनेडियन एम्बेसडर वेंडी गिलमोर हुंजा पहुंची और आइस हॉकी के मुकाबले में रेफरी के फराइज अंजाम दिए. समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कैनेडियन एम्बेसडर वेंडी गिलमोर ने मैच के हवाले से कहा कि अल्तित हुंजा में स्कार्फ की जानिब मुनक़िद करदा 4th विंटर स्पोर्ट्स लव्ड फेस्टिवल पर मुबारकबाद पेश करती हूँ. उन्होंने कहा कि हुंजा और चित्राल समेत कैनेडा के खिलाड़ियों के दरमियान एक हैरत अंगेज मैच यादगार बन गया. एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी की गई है, जिसके मुताबिक शहर में 20 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद मौसमी वार्निंग जारी की गई है, जिसके मुताबिक शहर में 20 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है, जिसके सबब शहरियों को हफ्ते के आगाज पर अपने मंसूबों को तब्दील करना पड़ सकता है, जबकि बच्चों के स्कूलों में वापसी भी मुश्किल हो सकती है. टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का कहना था कि तमाम स्कूलों को रिमोट लर्निंग पर मुंतकिल कर रहे हैं. ओटावा में एनवायरमेंट कनाडा ने 25 और 40 सेंटीमीटर के दरमियान कल बर्फबारी की पेशगोई की है. कुछ इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है.
मौसम सरमा का बर्फबारी का एक बहुत बड़ा तूफान ऑन्टेरियो की तरफ बढ़ रहा है, जो कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी का बाइस बन सकता है और ड्राइविंग के लिए खराब सूरत हाल पैदा कर सकता है। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगी, जिसकी शरह 4 से 7 सेंटीमीटर फी घंटा मुमकिन है, जबकि शहर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी तवक्को है। तेज हवाओं और बर्फबारी की वजह से हद निगाह भी मुतासर हो सकती है। एनवायरमेंट कैनेडा ने कहा कि मुतवक्के शदीद बर्फबारी की वजह से सफर मुश्किल हो जाएगा। नियाग्रा फॉल्स, सेंट कैथरीन्स, वेलिंट ग्रिम्बिसी, किंगस्टन, ओटावा, पीटरबोरो, ब्रॉकवेल, ट्विट और कॉर्नवॉल जैसे इलाकों को कई सेंटीमीटर के दरमियान बर्फ के लिए तैयार रहना चाहिए। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया है। शहरी इलाकों में रश के औकात में ट्रैफिक पर नुमाया असर पड़ सकता है। दूसरी जानिब अमरीका में एक और बर्फबानी तूफान आ गया। ताकतवर बर्फबानी तूफान ने अमरीका की मशरकी रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद बर्फानी तूफान के बायस एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रियासत जॉर्जिया, वर्जीनिया, शुमाली और जुनूबी कैरोलिना में शदीद बर्फानी तूफान के बायस एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। बर्फानी तूफान के बायस 2 लाख से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि हजारों परवाजें भी मनसूख कर दी गई। शुमाली कैरोलिना के कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी के बायस 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि कैनेडा के न्यूयॉर्क से मुल्हिका सूबे और ऑन्टेरियो में भी बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। कनाडा में जल्द ही फाइजर की कोरोना वायरस से बचाव की टैबलेट के इस्तेमाल की इजाज़त का इम्कान है, तहम ये अभी तक वाज़ह नहीं है कि तरसील कब शुरू होगी या कनाडा को पहले कितनी मिकदार मिलेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में जल्द ही फाइजर की कोरोना वायरस से बचाव की टैबलेट के इस्तेमाल की इजाज़त का इम्कान है। चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुप्रिया शर्मा ने जुमेरात को कहा कि हेल्थ कनाडा को 7 से 10 दिन में कोविड-19 के लिए फाइजर के पैक्सलोविड एंटीवायरल इलाज के बारे में इजाजत का फैसला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये अभी तक वाजे नहीं है कि तरसील कब शुरू होगी या कनाडा को पहले कितनी मिकदार मिलेगी, क्योंकि अमरीकी साख्ता दवा की फराहमी के मसाइल ने अमरीका में भी पहुँचना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल बना दिया है, जहाँ क्रिसमस से पहले इसकी इजाजत थी। कैनेडियन हेल्थ लीडर्स और कुछ प्रीमियर्स हेल्थ कनाडा पर आवामी तौर पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस दवा को ग्रीन लाइट करे, जो सार्स कोवी 2 वायरस को रोकता है, जो कोविड-19 को मरीज के जिस्म के अंदर दोबारा पैदा होने से रोकता है। फाइजर के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि ज्यादा खतरे वाले मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने से तकरीबन 90% तक कंट्रोल किया जा सकता है। कनाडा के सूबे ओंटेरियो में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 9,15,940 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,399 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 26,88,751 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,957 हो गई। मुल्क भर में 22,71,528 से जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 9,15,940 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,399 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 7,75,720 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 12,028 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 4,30,332 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,352 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद 2,91,246 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,449 है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने टेक्सास में लोगों को यरगमाल बनाने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि ज्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्ला शख्स ने उस इबादतगाह को क्यों निशाना बनाया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने टेक्सास में लोगों को यरगमाल बनाने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि यहूदी इबादतगाह के वाक़े पर अटॉर्नी जनरल से बात की है। हमला करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर सड़क पर अपना हथियार निकाला।
अमरीकी सदर का कहना था कि ज्यादा मालूमात नहीं कि मुसल्ला शख्स ने इस इबादत गाह को क्यों निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि अमरीका की रियासत टेक्सास में यहूदी इबादत गाह में दाखिल होकर राहिब समेत मुबैना तौर पर 4 अफराद को यरगमाल बना लेने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। FBI का कहना है कि टेक्सास में यहूदी इबादत गाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाने वाला बरतानवी शहरी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 44 साल बरतानवी शहरी का ताल्लुक लिंकाशायर के इलाके ब्लैकबर्न से है। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रीक एबट ने दावा किया है कि कोली विली की बैत इसराइल नामी यहूदी इबादत गाह में यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने सामाजिक रबते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में बताया कि तमाम यरगमाली जिंदा और महफूज हैं। हुक्काम ने बताया कि हुक्काम इमारत में दाखिल हुए तो उन्होंने दीगर 3 यरगमालियों को बचा लिया, जबकि यरगमाल बनाने वाला शख्स मारा गया। चीनी सफीर ने अफगान वजीर दाखला सिराजुद्दीन हकानी से कहा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में चीन मुदाखलत नहीं करेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीनी सफीर ने अफगान वजीर दाखला सिराजुद्दीन हक्कानी से कहा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में चीन मदाखलत नहीं करेगा। तफसीलात के मुताबिक अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीनी सफीर वांग यू की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी सफीर वांग यू ने अफगान वजीर दाखला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की, जिसमें चीनी सफीर ने उन्हें इमदाद देने की यकीन दहानी कराई। चीनी सफीर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम कोई मदाखलत नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि तालिबान की अफगान हुकूमत खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तजारती रवाबित इस्तवार करने की कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के हुकाम के दरमियान आज 2 तरफा सियासी, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात, सिक्योरिटी तावुन, तैपी और ताप मंसूबों के जल्द आगाज पर बातचीत की गई है। अफगानिस्तान चाहता है कि तुर्कमानिस्तान के साथ तजारती और निजी शोबे की सरगर्मियों में इजाफा किया जाए, मार्बल, खुश्क और ताज़ा मेवाजात और दीगर अजनास की बरामदात में इजाफा हो। अफगान इस्लामी अमारात के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने ट्विटर पर कहा कि बंदरगाहों में रेलवे के नामुकम्मल मंसूबों की तकमील और अफगानिस्तान में सोलर और विंड पावर में सरमायाकारी के हवाले से भी मुफीद बातचीत और इत्तेफाक राय किया गया। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि अफगानिस्तान के रास्ते को वस्ती और जुनूबी एशिया के दरमियान ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये रास्ता माया, कुदरती गैस, मादनियात और खुराक ले जाएगा। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा। एक ही दिन में 32 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के शहर बीजिंग में ओमिक्रॉन का पहला मुकामी केस सामने आ गया है। इंतजामिया ने मुतासिरा शख्स से रबते में आने वाले तकरीबन 2500 अफराद के कोरोना टेस्ट किए हैं, जबकि मरीज का कंपाउंड और दफ्तर सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा है। एक ही दिन में 32 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमरीका में 8 लाख, फ्रांस में 3 लाख और भारत में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। बरतानिया ने आज यानी पीर से 16 से 17 साल के नौजवानों में कोरोना बूस्टर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। अलावा अजी ऑस्ट्रिया में वैक्सीनेशन लाजमी करार देने की मुजवजा कानून साजी के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाजी मार्च किया। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.